कंस्ट्रक्शन स्पेस के एक स्मॉल कैप प्लेयर हैं, लेकिन काफी इंटरेस्ट बाजार का स्टॉक में है। एक और स्पेस जहां पर डिमांड और कंजम्पशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो है रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ। फिनिक्स मिल की हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ी हुई है, हमारे साथ रश्मि सेन है, उनसे बात करते हैं। नवंबर में अगर आप देखें तो जिस तरह से क्योंकि सीजनल डिमांड थी, साथ ही कंजम्पशन फेस्टिव डिमांड थी, लोग पूरी तरह से अनलॉक थीम थी, उस वजह से भी बाहर निकले, लेकिन डिमांड और कंजम्पशन कितनी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रही है कमर्शियल में, रेसिडेंशियल में, इसी पर बात करने के लिए रश्मि हमारे साथ आज हैं। रश्मि, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। हालांकि कंजम्पशन जो ऑन द राइज है, जो हम ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी मॉल्स की देख रहे हैं, वहाँ अब भी थोड़ा सा चैलेंज तो है, 5 से 10% है अगर हम इसे कंपेरिजन करें प्री कोविड एरा से, प्री कोविड लेवल से। क्या ये क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ज्यादा कैचमेंट एरियाज है, मॉल्स और ऑप्शंस ज्यादा है, इसलिए ये देखने को मिल रहा है, या कोई और चैलेंजेस भी आप देख रही हैं? हमारे फिनिक्स के मॉल्स में हमने पिछले 6-7 महीनों में हमारे सारे मॉल्स की ऑक्यूपेंसी इज वेरिंग एनीवेयर फ्रॉम 95% to 99%। और जहां तक कंजम्पशन का सवाल है, H1 में भी वी रिपोर्टेड 33% ग्रोथ इन कंजम्पशन अक्रॉस ऑल आवर मॉल्स। इनफैक्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अलोन आर अक्टूबर कंजम्पशन अक्रॉस ऑल आवर मॉल्स वाज 900 crores। सो जिस प्रकार का ग्रोथ हम देख रहे हैं हमारे मॉल्स में अक्रॉस द कंट्री, पैन इंडिया वी हैव मॉल्स इन सेवरल सिटीज अक्रॉस द कंट्री, इस प्रकार का ग्रोथ और स्टेबिलिटी और नंबर्स वी हैव नॉट सीन इन द लास्ट 10-11 इयर्स ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ आवर मॉल्स। डिप्लॉयबल कैश की अगर बात करें, एज पर योर एस्टिमेट आपके पास ऑलमोस्ट 5,000 crore का डिप्लॉयबल कैश है, जिसमें 2,000 crore कैश और 3,000 crore फ्री कैश के यहां पर नजर आ रहे हैं। इस कैश को डिप्लॉय करने की जहां बात हो रही है, कितना एलोकेट करेंगे आप ईच सेगमेंट में, क्योंकि आपकी प्रेजेंस जो है हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट, रिटेल, मॉल और रेजिडेंशियल में भी है, तो इस कैश डिप्लॉयमेंट को आप बाइफोकेट कैसे करने वाले हैं? So, apart from the other portfolios that we focus on, I'll delve upon the retail aspect. Retail area में हमारे 10 malls already operational हैं। हमने हमारा जो इंदौर मॉल हमने पिछले महीने लॉन्च किया है, it's been an investment of 800 crores, total investment of 800 crores in that mall. उसके अलावा अभी आने वाले time में we will be opening a mall in Ahmedabad next month. We are going to be opening 2 new malls in Bangalore and Pune by the brand names Phoenix Mall of Asia in Bangalore and Phoenix Mall of the Millennium in Pune. Calcutta mein hamara kaam already shuru ho gaya hai. Aur baaki kuch shehron mein bhi hum expansion opportunities evaluate kar rahe hain, jaise Hyderabad, Chandigarh, Faridabad, Gurgaon. So there are some other cities where we are evaluating expansion opportunities at current. राइट रश्मि, क्योंकि आपने जो अपना रिटेल लीजेबल एरिया है उसे बढ़ाया है, FY 26 में तो आपने ऊपर के लेवल्स रखे हैं, किस तरह के एनुअल रेंटल इनकम एक्सपेक्ट करनी चाहिए? H1 में हमने 25% ग्रोथ देखा है हमारे रेंट का अक्रॉस आर ऑपरेशनल मॉल्स। हमारा रेंटल डायरेक्टली सेल्स कंजम्पशन ग्रोथ से लिंक्ड होता है, तो जिस प्रकार से हम स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन ग्रोथ देख रहे हैं हमारे सारे मॉल से, उस प्रकार से हमारा रेंट भी काफी पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। एब्सोल्युटली रश्मि, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वक्त की कंजम्पशन डिमांड को मद्देनजर रखते हुए आपके ग्रोथ प्लान्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। कंजम्पशन डिमांड अच्छी है और उम्मीद यही करते हैं, और बेस्ट विशेस भी आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए, इसी तरह डिमांड जो है वो इंटैक्ट रहे। तो ये थी फिनिक्स मिल्स की मैनेजमेंट हमसे बात करती हुई। 1421 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड मार्केट में नजर आ रहे हैं फिनिक्स मिल्स के काउंटर।